तो जैसे गाइस अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा यहाँ पे दो लेयर्स रेडी हैं, एक है मेरा बैकग्राउंड लेयर और दूसरा है मेरा इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पे। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारे इस इल्यूस्ट्रेशन को एनिमेट करने वाले हैं पपेट टूल के थ्रू। पूरा का पूरा एनिमेट नहीं करना है, बट इस कैरेक्टर के अंदर हमें कुछ मोशन जनरेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से पपेट पिन टूल लेते हैं यहाँ से, और मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ पिन अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आपको भी सेम चीज है, आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से, मैं इसको सपोर्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जब मैं मोशन देने वाला हूँ जिस पार्ट को, उस पार्ट को वो हिला ना पाए। तो वही चीज मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली करनी है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पपेट पॉइंट टूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लास्ट पॉइंट में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसको जैसे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप मैश में चले जाओ, लेयर के अंदर पपेट का इफेक्ट अप्लाई होगा, उसके अंदर मैश में आपको जाना है, वहां पे आपको डिफॉर्म के अंदर जाना है, और डिफॉर्म में जो लास्ट पॉइंट आपने लगाया है वो पॉइंट वहां पे सिलेक्टेड दिखेगा। सपोज मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे जंप हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा पपेट पूल जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो अभी मेरे लेयर के अंदर, यहाँ लेयर पैनल के अंदर हाईलाइट दिखता है। अब मुझे क्या करना है, इसको ओपन करना है। आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे, देखो ऑटोमेटिकली की लगा हुआ है। तो यहां से मैं एक सेकंड आगे चलता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करते हुए क्या करूंगा, ऑलरेडी पॉइंट मेरा सिलेक्टेड है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में मोशन दे रहा हूँ। तब आप देखो बाकी का कुछ भी हिल नहीं रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सपोर्टिव पॉइंट नहीं दिए होते तो क्या होता, पूरा का पूरा जो कैरेक्टर का एक ही इमेज है तो डिफॉर्म होता एक साथ, या फिर उसके यहाँ पे लेग्स वगैरह में स्ट्रेच आते, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो वही चीज मुझे करना है, मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ। सबसे पहले हल्का सा क्या करता हूँ, इस पैर को थोड़ा आगे की तरफ हम लोग लेके जाते हैं, तो ये एक हल्का सा मेरे लिए क्या होता है, मोशन जनरेट होता है। और थोड़ा इसको क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ भी लेके जा रहा हूं ऐसे कुछ। तो ये मेरा मोशन हो गया था, आप देखोगे पैर के अंदर ये मोशन जनरेट हो चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप की लगाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जिस पपेट पिन टूल पर हमने एनिमेट किया है उसकी स्टॉपवॉच के ऊपर ऑल्ट करके हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन टाइटल बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना टाइटल बॉक्स के अंदर एक्सप्रेशन आपका टाइप करना है, जो है लूप, देन कैपिटल में आपको ओ टाइप करना है, देन यू टी, और फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर ये एफओएसओवी एस डालना है, वहां पे जो ऊपर कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हम डालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पिंग पॉन्ग, सब स्मॉल लेटर के अंदर, फिर से आपको वही मार्क अप्लाई करना है और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। आपको अगर ये एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो वहां पे। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन अभी के लिए डाल दिया है। अब अगर आप इसको प्ले करोगे गाइस, मैं इसका रेजोल्यूशन थोड़ा लो कर देता हूं, ताकि हमें क्या है कि भी जल्दी से आउटपुट मिले। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंटिन्यूअसली में ये मोशन चलता रहेगा, उसके पैर का मोशन बिल्कुल कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहेगा। तो बिल्कुल सेम चीज मुझे क्या करना है अभी इस कैरेक्टर का, मैं सब जगह पे नहीं कर रहा हूं, आपको जहां जहां पे भी मोशन चाहिए वहां वहां पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो सपोज मुझे अभी इस वाले हैंड के ऊपर वही मोशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक पपेट पिन टूल में अप्लाई कर रहा हूं, ये मैंने एक यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, दूसरा मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और एक पॉइंट में यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना, ये वाला जो पॉइंट है मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 13 है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ और ये वाले की फ्रेम जहाँ पे इसको एनिमेट किया था बिल्कुल वहीं पे आते हैं, और इसको भी क्या करेंगे हम एनिमेट करते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, मोशन दे रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे इसको एक मोशन दे दिया है। अब वापस क्या करेंगे, यही एक्सप्रेशन को एक बार कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने लास्टली एनिमेट किया उस पॉइंट की, जो हमने स्टॉपवॉच की है उसके ऊपर ऑल्ट करके क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही क्लिक करोगे एक्सप्रेशन बॉक्स ओपन होगा, वहां पे आप कंट्रोल वी करके हमारा एक्सप्रेशन पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, वो वाला पोर्शन भी हमारा एनिमेटेड हो चुका है। अब सेम चीज मुझे इस लड़की के अंदर क्या करना है, उसके सर को मुझे एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ पपेट पिन पॉइंट अप्लाई कर रहा हूँ, जो टूल है हमारे उसके पॉइंट कुछ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट में यहाँ पे हेड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। अब जो लास्ट पॉइंट मैंने अप्लाई किया उसके ऊपर भी सेम मुझे एनिमेट करना है। तो भाई ये यहाँ पे, तो मैं पहले वाले की फ्रेम के ऊपर चला जाता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, इसको एनिमेट करना चाहता हूं। तो थोड़ा मैं इसको इस तरफ से मूव कर रहा हूं, तो देखो ये रोटेट हो रहा है, अच्छा खासा मोशन उसके अंदर मिल रहा है, और हमने सपोर्ट यहां पे दिया इसलिए आपको ये फील कर रहा है कि रोटेट भी हो रहा है, हल्का सा स्क्वीज भी हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन आपको अच्छा सा देखने को मिलेगा। आप सेम चीज ऑल्ट करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करके हमारा एक्सप्रेशन पेस्ट कर देंगे। तो हाँ भाई,
जो बेसिक एनिमेशन मुझे चाहिए था यहाँ पे मेरे कैरेक्टर्स के अंदर वो मुझे मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा हमें कुछ आइकॉन जो सोशल मीडिया आइकॉन्स है उसको मुझे यहाँ पे एनिमेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया आइकॉन्स है मेरी एसेट के अंदर, तो मैं सपोज यहाँ पे एक आइकॉन लाके रख देता हूँ, फिर मैं एक दूसरा आइकॉन लाके यहाँ पे रख देता हूँ। सो आप अपने जो जो भी आइकॉन है उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे लाके सेटल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप उसको प्रॉपरली क्या कर दो, अरेंज करके यहाँ पे रख दो, बराबर। अब दूसरी चीज जो मुझे मेन आपको दिखानी है कि मैं एक एक करके सारे आइकॉन तो रख ही रहा हूं, अब यहाँ पे एक चीज मेन आपको समझनी है गाइस, मैं जो हमें इस 2D आइकॉन को मतलब ये जो अभी फ्लैट आइकॉन्स जम रहे हैं यहाँ पे, इसको जो हम 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं एक रोटेशन शेप के अंदर के, जैसे एक स्पेसिफिकली सर्कल के ऊपर वो रोटेट हो रहे हैं और वो फील दे रहा है हमें 3D इफेक्ट का, बराबर। तो उसके अंदर कन्वर्ट करना, तो सपोज मैंने ये आइकॉन यहाँ पे रख दिए, अभी मैं इसी आइकॉन को एक डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा कुछ ऐसा करके। सेम मैं क्या कर रहा हूँ, इस आइकॉन को भी एक डुप्लीकेट करता हूँ और उसको भी मैं क्या करूंगा यहाँ पे लाके रख देता हूँ ऐसे कुछ। तो भाई मेरे पास ये अरेंज हो गया है, अब इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमें एक सिलिंड्रिकल शेप चाहिए था, तो हमारे आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इन सारे लेयर को सिलेक्ट करके आप प्रीकॉम्प कर दोगे यहाँ पे। आप प्रीकॉम्प करने के बाद आप क्या करते हो भाई, यहाँ पे इसके ऊपर हम जो इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं वो है हमारा सीसी सिलेंडर। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप करते हो आप सीधा क्या कर सकते हो, इसके ऊपर इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मैंने अप्लाई किया, आप देखो ये अप्लाई तो हो गया है बट बहुत ही क्लोज है मेरे कैरेक्टर के साथ। तो सीसी सिलेंडर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे रेडियस, तो जैसे मैं रेडियस इंक्रीज कर रहा हूं तो देखो मेरे साथ एक दिक्कत हो रहा है। तो ये चीज होता है आफ्टर इफेक्ट्स का वर्क फ्लो। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हो गाइस, एक वर्क फ्लो को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे सारे के सारे जो आइकॉन है ना वो स्ट्रेच होने लगे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको रोटेशन करके दिखाऊं वाई एक्सिस में, तो देखो सारे आइकॉन मेरे क्या हो गए, स्ट्रेच हो चुके हैं। अब वो तो एक्चुअल साइज था नहीं उनका, अगर मैं यहाँ पे इसको रिसेट कर दूं तो आप देखो एक्चुअल साइज का था ये था, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे उसका रेडियस बढ़ाया तो ये स्ट्रेच हो गया। अभी हमें स्ट्रेचेबल आइकॉन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्या करके रखा हुआ है, मैं इसको डिलीट करता हूँ इस प्रीकॉम को यहाँ से, बराबर, और प्रोजेक्ट पैनल से भी उसको डिलीट कर देते हैं, जो हमारा प्रीकॉम 2 बना हुआ है उसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कॉम्प तैयार करके रखा हुआ है, बराबर। तो ये मेरा कॉम्प है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लेके आता हूं, और मैंने इसके अंदर क्या किया है मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। जब आपने एक बार इसको क्या कर दिया कि जैसे हमने पहली बार किया था कॉम्प का लेयर, तो सपोज एक बार अंडू करके देखते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाएगा, हम डिलीट नहीं करते हैं इसको, मैं वापस यहाँ पे लेके आता हूं। मैंने किया क्या था उसको कि इसी कॉम्प को फिर हम यहाँ पे अंदर चलते हैं, तो कॉम्प का साइज ये है जो हमारा था मेन, जो मेरा कंपोजिशन का साइज है यहाँ पे चलते हैं, तो भाई 1280x920x1080 मेरा कंपोजिशन का साइज है। तो हमने एग्जैक्टली किया क्या था उसके साथ कि भाई हम इसको क्या कर रहे थे, इसका बिल्कुल साइज डबल कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 920x2। जैसे ही आप करोगे तो भाई देखो कॉम का साइज मतलब उसका विड्थ बढ़ गया है। अब हाइट को क्या कर दूंगा मैं, हाफ में कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या करूंगा डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो भाई ये क्या हो गया कुछ इस हिसाब से कन्वर्ट हो गया। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर करके मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं वापस ताकि आपको पता चले कि भाई क्या बनना है यहाँ पे। तो इस वाले कॉम को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और लेके आ रहा हूँ हमारे ट्यूटोरियल कॉम के अंदर और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब इसके अंदर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मेरे आइकॉन सारे के सारे मैंने उस हिसाब से यहाँ पे अरेंज करके रखे हुए हैं, प्लस मैंने क्या किया है दो लाइंस यहाँ पे पेन टूल के थ्रू ड्रॉ किया है, और जिसके अंदर हमने क्या किया है कि वो दोनों लाइंस को मैं अगर आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तीसरा लाइन बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सो हम यहाँ से पेन टूल को ग्रैब करेंगे और क्या करेंगे, यहां से मैं इस लाइन को यहां से कंट्रोल से किसी भी लेयर को सिलेक्टेड मत रखना वरना मास्क जनरेट कर देगा। तो यहां से मैं एक लाइन को सिलेक्ट करते हुए यहां पे इसको ड्रॉ कर दिया हूं। अब मेरा स्ट्रोक वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसके ऊपर यहां पे अप्लाई हो चुका है, आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये स्ट्रोक वैल्यू अप्लाई हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया है कि जो लाइन मेरा बना है उसके अंदर हम चले जाएंगे, यहाँ पे कंटेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको स्ट्रोक का प्रॉपर्टी मिलेगा शेप के अंदर। वहां पे नीचे जाएगा तो आपको डैशेस मिलता है, इसको ओपन करो तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस करके। जैसे आप ऐड करते हो देखो डॉटेड लाइन बन गए, बट हमें क्या चाहिए थोड़े लंबे और वाले लाइन चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो कि डैश का वैल्यू बढ़ाते जाओ
तो आप देखो उसका लेंथ बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे खुद से क्रिएट कर सकते हो और फिर उसको क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो गाइस। तो मैंने यहाँ पे वैसे कुछ दो लाइंस भी यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पे मैंने ला दिया है तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करें। तो अब जैसे ही आप इसके ऊपर सीसी सिलिंड्रिकल इफेक्ट अप्लाई करोगे, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो एक मेरे को स्केल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक प्रॉपर एक साइज बनते हुए यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है। तो अब थोड़ा क्या करते हैं, उसको प्रॉपर पोजीशन देते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ अप्लाई फोर, तो देखो थोड़ा डाउन जा रहा है, थोड़ा और चाहिए तो मैं यहाँ पे एट कर देता हूँ। हाँ थोड़ा टिल्टेड मुझे चाहिए ताकि हमको समझ में आए, थ्री डी का फील 100% समझ में आए। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, -10 का इफेक्ट देके देखते हैं हम लोग कितना मिलता है। हाँ ये बेटर हो रहा है, बट आई थिंक 10 शुड बी गुड, नॉट -10। हाँ तो ये थोड़ा बेटर है और यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ 5 के आसपास। यस ये बहुत ही सुंदर और बेटर दिख रहा है अभी। अब दूसरा पर ये बहुत ही डल हो चुका है इमेज, देख रहे लाइटिंग एकदम कम है। तो यहाँ पे देखो शेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है आपको सीसी सिलेंडर इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एम्बियंट का ऑप्शन है, तो क्या कर दो इसको बढ़ा दो। जितना आपको मैक्सिमम लाइट चाहिए उतना क्या कर दोगे आप, इंक्रीज कर दो। बट उतना मत बढ़ाना कि आपके जो आइकॉन्स है उसके टेक्सचर बिल्कुल भी गायब हो जाए, मतलब आपको समझ में ही नहीं आए कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना क्या करोगे। एम्बियंट मतलब लाइट होता है, ठीक है ना, लाइट। तो वही चीज होता है, आप देखो यहाँ पे मेरा वॉश आउट हो रहा है ये, पर ठीक है अभी के लिए आपको समझ में आ जाए क्योंकि वो शेड ऐसा है येलो एंड व्हाइट। तो जितना मैं लाइट उसके ऊपर डालूंगा वो पूरा वॉश आउट होते जाएगा। तो यहाँ पे उसको करना डिफ्यूज, क्या कर दोगे आप यहाँ पे 0 कर दो। तो ये मेरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये बन चुका है। अब मेन चीज क्या है कि भाई इसको एनिमेट कर रहा हूं तो ये कैरेक्टर के पीछे नहीं जाएगा। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं यहाँ पे देखो, तो भाई सब कुछ कैरेक्टर के ऊपर है। मुझे क्या दिखाना है कि भाई जब ये घूम रहा है तो कुछ चीज तो कैरेक्टर के पीछे जाएगा, तभी ये 3D फील कराएगा और हमें ये समझ में आएगा कि ये जो इलिप्स बना है मेरे आइकॉन्स का उसके बीच में मेरे कैरेक्टर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यही रखता हूं और इस लेयर को हम क्या करेंगे डुप्लीकेट कर देंगे। बट मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करूंगा, यही मेन चीज है। और इसका करने का मेरे पास एक रीजन है, मुझे क्या करना है जब मैं एनिमेट करूंगा इसको तो जो आगे वाला पोर्शन रहेगा उसके ऊपर मेरे को ज्यादा लाइट जैसे अभी दिख रही है, बट जो पीछे वाला पोर्शन रहेगा वहां पे लाइट क्या करना है, एम्बियंट लाइट मुझे कुछ ऐसे डार्क दिखाना है कि मतलब वहां पे उतना लाइट का फोकस नहीं। दूसरा वो मेरे आइकॉन के पीछे वाला पोर्शन है तो वहां पे उतना ब्राइटर चीज नहीं है, पेपर के ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट मुझे जनरेट करना है। तो उसके लिए अगर मैं यहीं पे डुप्लीकेट कर दूंगा कॉम्प को, तो हमें आपको पता है अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ सपोज इस कॉम्प को, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। सी गाइस थोड़ा टाइम ले रहा हूं बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना बहुत ही जरूरी। यहाँ पे मैं दोनों को हाफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है आपके पास रेंडर का, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आउटसाइड और यहाँ नीचे वाले पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला कॉम्प मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इनसाइड। ठीक है, तो अब दोनों में यहाँ पे देखोगे तो भाई ये आउटसाइड भी हो गया और ये इनसाइड भी हो गया, बट मुझे किसी एक में लाइट को चेंज करना है। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो देखो दोनों में मेरी क्या हो रही है, लाइट चेंज हो रही है गाइस। ठीक है, मेरी दोनों जगह पे लाइट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। आप आराम से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से लाइट को प्रॉपर, या फिर कुछ मैनिपुलेट करना है, कोई एलिमेंट आपको ऐड करना है तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कंपोजिशन डुप्लीकेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्ट पैनल, इसको मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ यहाँ पे, तो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और हमारा जो प्रीकॉम्प 1 यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, तो चलते हैं हमारे कॉम्प के अंदर, ये मेरा प्रीकॉम्प 1 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी जरूरत नहीं तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं इस प्रीकॉम्प 2 की। अब यहाँ पे जो मेरा प्रीकॉम्प 1 है मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ गाइस। ठीक है, अब इसको लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे आऊंगा और इस कैरेक्टर पैनल के नीचे मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो अब हम इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल में चलते हैं, तो भाई मैंने इसको क्या सिलेक्ट करना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे आउटसाइड और ये पीछे की तरफ जाने वाला है, तो इसके ऊपर मेरे को सेम क्या करना पड़ेगा, वो इफेक्ट मेरे को डालना पड़ेगा। तो अब इसको लाने का एक तरीका भी अलग है गाइस, ठीक है ना। अब अगर आप डुप्लीकेट भी करते हो तो आप कैसे लेके आओगे उसको, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे अप्लाई करते हो और कैसे आप उसको यूज करते हो। सपोज मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पे लाके इसको रख दिया है। अब चलते हैं प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, जो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट किया है उसको मैं ऑल्ट करके अगर इसके ऊपर लाके डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल में चलेंगे तो देखो सिलेंडर इफेक्ट यहाँ पे है। पहले जब मैंने लाया था तो क्या था, ये इफेक्ट यहाँ से
चला गया था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको फुल की जगह पे मैं इनसाइड कर देता हूँ, और ये वाला जो मेरा प्रीकॉम्प है यहाँ पे फुल की जगह पे हम क्या कर देंगे, आउटसाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीज हो गया। अब क्या करना है, ये वाला जो है इसकी शेडिंग के अंदर चलते हैं हम लोग, और मैं इसकी शेडिंग डाउन कर रहा हूं। तो देखो खाली जो पीछे की तरफ का एरिया है जो मैंने इनसाइड मतलब रखा हुआ है, वही खाली क्या हो रहा है, लाइट में कम हो रहा है। दूसरा चीज, जैसे ही हमने इनसाइड में इसको कन्वर्ट किया, अब वो कैरेक्टर के पीछे चला गया है। तो जो चीज इनसाइड वाली है ये नीचे वाली, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस लेयर को नीचे भी रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको खाली सोलो रखता हूं, तो आप देखो कि इन दोनों लेयर को हम सोलो करते हैं यहाँ पे, और इसको तो आप देखो ये खाली आधा ही एरिया रिवील कर रहा है, ठीक है ना। पूरा सिलेंडर नहीं बना रही है, खाली आधा एरिया ही है। सेम चीज अगर मैं इसको हाइड कर देता हूं और इसको करूंगा, तो ये भी आधा ही एरिया है। तो जो रेंडर आउटपुट मिल रहा है हमें इसका कंपोजिशन में, वो हमने सिलेक्ट किया कि भाई ये आधा जो लेयर ऊपर है हमारे कैरेक्टर के उसको हमने इनसाइड रखा, और जो लेयर नीचे हमारे कैरेक्टर के हमने उसको क्या रखा, आउटसाइड रखा। तो हमारा काम हो गया, प्लस हम लाइटिंग को भी अपने हिसाब से इंडिविजुअली क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब दूसरी चीज, मुझे कभी भी आगे जाके क्लाइंट बोले थोड़ा ऊपर रखो इसको, थोड़ा पीछे रखो, या पोजीशन ऊपर नीचे करो, या जैसा हमने रोटेशन किया उसकी जगह पे रोटेशन कुछ अलग करो, तो ये सारी चीज के लिए क्या होना चाहिए, अब मैं एक को मोशन दूंगा तो फिर दूसरा भी मोशन में खुद आना चाहिए, ठीक है। अलग अलग मोशन, दोनों को अलग अलग कीज देना भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम पेरेंट को बेटर तरीके से यूज करेंगे। तो फिर क्या करूं, ये लेयर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, और इसका जो पैनल यहाँ पे सिलेंडर इफेक्ट है उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लॉक कर देता हूं, ताकि मैं किसी भी लेयर को चूज करूं तो मेरा जो यहाँ का इफेक्ट है, वही जो इस लेयर का इफेक्ट है, वही मेरे को कहां पे दिखना चाहिए, इफेक्ट कंट्रोल पैनल में दिखना चाहिए। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूं तो देखो ये वाला प्रीकॉम्प का यहाँ पे इफेक्ट आ गया, ये इनसाइड है, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं तो ये आपको आउटसाइड दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर लॉक करके रखोगे फिर इस लेयर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वही वाला प्रीकॉम्प 1 का इफेक्ट आपको दिखता है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब क्या करेंगे, इसकी इफेक्ट हम यहाँ पे ओपन करते हैं, चलते हैं यहाँ पे सीसी सिलेंडर के अंदर, और इसका जो रोटेशन वाला प्रॉपर्टी, हमें अभी रोटेशन ही करना है, बट हाँ आपको लग रहा है क्लाइंट वगैरह पोजिशन भी पूछेगा तो यही पेरेंट की प्रोसीजर आप फॉलो कर लेना। तो सबसे मेन तो हमें रोटेशन वाई में करना, तो मैं क्या करूँ, ये वाई का जो पेरेंट पिकविक टूल है उसको लेके मैं यहाँ पे वाई के साथ मेरे प्रीकॉम्प 1 के जो इफेक्ट है सीसी सिलेंडर, उसके रोटेशन वाई की वैल्यू के साथ पेरेंट कर देता हूं। फिर सेम क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू को भी यहां पे पेरेंट कर देंगे, ठीक है। हमें नहीं करना है, बट सपोज अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको पहले से अगर पेरेंट करके रखो तो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। सेम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पोजीशन के साथ पोजीशन की वैल्यू को भी पेरेंट कर सकते हो। अब क्या होगा कि मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूं, और अगर मैं अभी वाई को यहाँ पे रोटेट करता हूं तो आप देखोगे क्या होगा, मेरे दोनों के दोनों वैल्यूज यहाँ पे रोटेट होते हुए आपको समझ में आएंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे वापस कंट्रोल जेड कर देते हैं, और मैं यहाँ पे की देता हूँ रोटेशन के ऊपर, और मैं चलता हूं ऑलमोस्ट लाइक 5 सेकेंड, ज्यादा नहीं जाऊंगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू क्या कर देता हूं, 1 का रोटेशन यहां पे मैं अप्लाई कर देता हूं, और यहां पे एन करके मैं जरा राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया कर देते हैं हम लोग। तो अब देखो जैसे ये यहां पे रोटेशन होगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे अच्छा खासा आइकॉन का मतलब हमने 2D एनिमेशन को, 2D ग्राफिक्स को हमने 3D एनिमेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज, यही हमारा मेन चीज था कि हम 2D एनिमेशन को बस एक ही इफेक्ट के थ्रू कैसे 3D में कन्वर्ट करते हैं, प्लस हमारा ग्राफिक्स को भी हमने पपेट पिन टूल के थ्रू बहुत ही बेटर तरीके से क्या दिया है, एक सिंपल कैरेक्टर को हमारे अच्छा खासा हमने एक एनिमेशन दिया है। अब आप चाहो तो इसके अंदर भी एनिमेट कर सकते हो, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको अगर चाहिए तो सपोज मैं यहाँ पे एंड पे चला जाता हूं, और आपको चाहिए कि यहाँ पे वाई का की मैं यहाँ पे दे देता हूँ समथिंग लाइक दिस, और मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूं यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ वाई का की यहाँ पे 5 है तो मैं इसको कर देता हूँ -2 सपोज। और अब अगर हम एनिमेट करें तो यहाँ पे देखो ये बेटर तरीके से क्या होगा, नीचे की तरफ आते हुए आपको फील कराता है कि हल्का सा क्या होगा, -2 से वो 5 की तरफ स्लांट हो रहा है। सो गाइज आई होप इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखने को आई, समझ में आई होगी, प्लस वर्क फ्लो को कैसे मैनेज करना, कंपोजिशन को कैसे यूज करना अपने काम के हिसाब से, वो भी आपको सीखने को मिला होगा। तो अभी लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन पे क्लिक भी करना, और कमेंट में मेंशन जरूर करना कि आपको मेरे ट्यूटोरियल से कितने को सीखने को मिल रहा है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय गाइज।